अल्लाह रहमान रहीम। सेंटेंस स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 2, हमने कल सेंटेंस की एग्ज़ाम पढ़ी थी और उनमें से 2 का सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देखा था। आज हम बाकी 2 का देखेंगे। पहले हम रिवाइज़ कर लें सेंटेंस की एग्ज़ाम स्ट्रक्चर के अतबार से। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें विच कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट एंड वन और मोर सबॉर्डिनेट क्लॉजेज लिंक्ड बाय सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लाइक हु, ऑल्दो, आफ्टर, बिकॉज, सेंस एंड वेन एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, शी टेक्स टी आफ्टर कमिंग होम। और जब दो एक से ज़्यादा क्लॉज होगी तो फिर शी टेक्स टी आफ्टर कमिंग होम एंड बिफोर गोइंग टू बेड। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं? विच कंटेन टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज लिंक्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम पहले पढ़ चुके, ये होते हैं फॉर एंड नॉर बट और येट सो एट्सेट्रा। एग्जाम्पल्स देखिएगा, एवरीवन प्रेजिज हिम फॉर ही इज ऑनेस्ट एंड ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। अब देखिए इसमें एक मेन क्लॉज है एवरीवन प्रेजिज हिम, फिर दूसरी मेन क्लॉज है ही इज ऑनेस्ट, जो कि लिंक की गई है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, और फिर सबॉर्डिनेट क्लॉज है एंड ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, ब्रेकिंग द न्यूज़ फॉर देयर लेट अराइवल दे टोल्ड अस अबाउट द रोड एक्सीडेंट। इन दोनों एग्जांपल्स में आपको एक फ़र्क नज़र आएगा। दूसरे सेंटेंस में हम कॉमा इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि फर्स्ट सेंटेंस में हमने कॉमा इस्तेमाल नहीं किया। रीज़न इसकी बता दूं कि वी यूज़ कॉमा व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट्स विद डिपेंडेंट क्लॉज एंड वी डोंट यूज़ कॉमा व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट्स विद इंडिपेंडेंट क्लॉज। आप देखें पहला सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट हो रहा था, एवरीवन प्रेजिज हिम, इसलिए यहाँ कॉमे का इस्तेमाल हमने नहीं किया, सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ किया। और दूसरा ब्रेकिंग द न्यूज़, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है डिपेंडेंट क्लॉज से, इसलिए हमने इसमें कॉमा इस्तेमाल किया। आप इन चीज़ों का उम्मीद है ख्याल रखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक पैराग्राफ ले लें, उसमें ये डिफरेंट क्लॉजेज़ जो हैं उनको हाईलाइट करें, ड्रिल करें इसकी, ताकि आप इसकी बेहतर तौर पर तैयारी कर सकें। अस्सलाम।